हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, ये मेरी पहली फेस रिवीलिंग टाइप में ये वीडियो आ रही है। ओके, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाई, तो होप थोड़ा सा एजिटेशन हो सकता है मेरे को, तो उसमें आप मदद करिएगा। और अगर किसी तरीके की कमी लगे तो आप यहाँ पर मुझे माफ़ करिएगा। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड। देखिए, हमने टेक्निकल की सीरीज शुरू करी है। उस सीरीज में हमने क्या बात करी है, हमने बात करी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सबसे पहले वीडियो में। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन अगर आपने सीख ली तो याद रखिए, मार्केट का आपने यहाँ पर 50-60% का काम यहाँ पर टेक्निकल के बेसिस, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ट्रेंड लाइन एक तरीके से, अगर जैसे हमारी बॉडी में हमारी ये सोल काम करती है, ओके, सोल ही है तो हम यहाँ पर चल पाते हैं, फिर पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को समझ लिया, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के केसेस में यहाँ पर सोल कहा जाता है इसे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को आपने समझा तो यहाँ पर पूरी एनालिसिस को एक तरीके से आपने यहाँ पर समझ लिया। तो किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा, बट थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी है उसे हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर किसी भी दो हायर को या किसी भी दो लोअर पार्ट्स को, ओके, यहाँ पर टच करके ट्रेंड लाइन को यहाँ पर बनाया जाता है। आप अगर बात करें, एक तो इसमें लंबा टाइम लिया जाता है, जितना आप अगर मैक्सिमम 8 मंथ्स का यहाँ पर टाइम लेंगे या 10 मंथ्स का यहाँ पर टाइम लेंगे, और उसके बेसिस पे एक हायर को दूसरे हायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एक लाइन के थ्रू, जैसे कि आपने मेरी काफ़ी सारे वीडियोस में देखा भी होगा, या फिर एक लोअर पार्ट को दूसरे लोअर पार्ट से ऐड कर देंगे। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पता चल जाएगी यहाँ पर कि ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पर भी आप छोटी छोटी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, एज वेल एज आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर खींच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगा और आपको हर एक चार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से इन लाइंस पे ही चीजें यहाँ पर आके रुकती है या फिर यहीं पर ही चीजें यहाँ से बाउंस बैक करती है। तो ट्रेंड लाइन एक तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। और अगर हम बात करें, कहीं पर भी अगर ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी सीख ली तो याद रखिए, कभी मात नहीं खा सकते टेक्निकल के बेसिस पे, और अच्छा खासा पैसा आप मार्केट से इस बेसिस पे कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि ट्रेंड लाइन होती क्या है लाइव चार्ट पे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर धीरे धीरे आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है, बट आपसे और रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी, बट कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पर नोट कर लेने चाहिए। सबसे पहले सोल ऑफ एनी चार्ट होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, 8-10 मंथ का कम से कम चार्ट ओपन करते हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लो को दूसरे लो से या एक हाई को दूसरे हाई से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। जहां पर भी नॉन स्टॉप मंदी या तेजी हो रही होती है, मतलब यहाँ पर अगर बात करें अपर सर्किट में ही शेयर जा रहा है या लोअर सर्किट में ही आ रहा है, इस तरीके के शेयर में हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते। इसके अलावा मिडिल कैंडल से ट्रेंड लाइन कभी ड्रॉ नहीं करते। कोई भी आपने उठाया, ये शेयर उठाया मान के चलिए, ओके, और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि किसी भी शेयर में यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और कहीं से भी बीच में से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा नहीं। हमें जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या तो इसका नीचा पार्ट लेना है या फिर इसका ऊपर पार्ट लेना है, कोई भी कैंडल हो, जैसे आज की यही कैंडल है। अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा निकला हुआ है शेडो, वो उससे, या नीचे वाले शेडो निकला हुआ है उससे हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पॉइंट है जो कि ये क्या है कि जब भी कोई स्टॉक लगातार बिग हाई या बिग लो, ओके, लगाता है, लगातार बिग हाई बन रहे हैं या फिर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो डेली से वीकली, वीकली से मंथली चार्ट पर हम जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डेली चार्ट पैटर्न ओपन है, डेली देखेंगे, देखने के बाद हम वीकली पे जाएंगे, वीकली पे जाने के बाद हम मंथली पे जाएंगे, ओके। इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि प्रीवियस हाई या लो क्या है, ओके, जिससे हमें पता चल सके कि प्रीवियस यहाँ पर ही हाई था या प्रीवियस कहाँ पर लो था, वो सब चीज हमें इसके थ्रू यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तो अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना यहाँ पर सीखेंगे।
निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बार मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बताई है, ओके, और आपको बताया कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही आपको चीजें यहाँ पर मैंने बताती हुई नजर आया था कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये तो इसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका हाई लिया मैंने, ओके, शॉर्ट टर्म का है, मैंने वैसे 8 to 10 months की बात करी है, तो आप लंबा नजरिए से अगर चार्ट पैटर्न लेंगे तो लंबा यहाँ पर आपको व्यू यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अभी मार्केट को हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के व्यू से देखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी मंदी या कितनी तेजी होगी वो हमें पता चलेगा, एज वेल एज जब ये ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कुछ चैनल और कुछ यहाँ पर पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं, तो वो भी हमें इसी से शॉर्ट टर्म से ही पता चलती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से इसका हाई लिया हमने इस कैंडल का, और इसका इसका ये हाई लेके यहाँ पर इसका लो लिया, ओके, इसका कैंडल का हाई लिया, फिर इसका हाई लिया, जैसे मैंने बात करी थी दो हाई को मिलाते हैं या दो लो को यहाँ मिलाते हैं, तो इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ट्रेंड लाइन खींच दी, नीचे तक ले गए। एज वेल एज यहाँ पर देखिए ये लो था इसका ए, और फिर यहाँ पर एक और लो था, एक लो को दूसरे लो से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसे कनेक्ट कर दिया और आगे बढ़ा दिया। तो अभी क्या हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, इसी रेंज में देखिए मार्केट घूमती हुई नजर आ रही है, ओके। और जब भी ये तो हमें देखना ही देखना है, बट इसके अलावा हमें क्या देखना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटे, ओके, तो यहाँ पर हमें उसी हिसाब से काम करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट पे चलता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट यहाँ पर टूट गया, ओके, यहाँ पर अगर यहाँ पर इससे ऊपर चलने शुरू कर दिया और यहाँ पर इसने हाई बनाया, इसे निकाल दिया, तो याद रखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको अलग से बताया है, वो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे हमें चीजें समझ में आती हैं, बट अगर हम अभी देखते हैं ट्रेंड लाइन में, तो ट्रेंड लाइन में इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो कुछ चैनल और कुछ वेजेस बनते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हमें उसका मार्केट का पता चलता है कि क्या बन रहा है, कि हमारे डिसेंडिंग चैनल बन रहा है, असेंडिंग चैनल बन रहा है, इसके अलावा फॉलिंग वेज, ओके, यहाँ पर राइजिंग वेज, अलग अलग वेजेस बनते हुए नजर आते हैं, अलग अलग चैनल्स बनते हुए नजर आते हैं, जो कि मैं आपने धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे हम इस टेक्निकल की क्लास में, तब हम यहाँ पर ये सीखेंगे। अब देखिए कुछ और यहाँ पर चार्ट पैटर्न ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर चीजें समझ में आए। तो अगर आप यहाँ पर लेके हम लेके चलते हैं किसे, हम लेते हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा को, ओके, मैं यहाँ पर पिछला यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पर इसका हाई ले लिया, ओके, और इसका हाई लेके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ। देखिए ये हमने लाइन लिया, ओके, एक हाई को हम दूसरा हाई से मिला देंगे, ओके, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन होता हुआ नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक हाई को हमने दूसरे हाई से मिलाया और इसे आगे बढ़ा दिया, तो इसी रेंज में चीजें चलेगी, और भी आगे हम इसे बढ़ा देंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मार्केट जहाँ से गिरना शुरू हुई ना, तो वो यही पार्ट था, यहाँ पर देखिए यहाँ से सीधा चला, इस बीच में कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर देखिए मार्केट गिरना कहाँ से शुरू हुई, यहीं से ही शुरू होती हुई दिखाई दी, यहीं पर ही देखिए इसने एक बियरिश कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ पर से गिरना शुरू। तो ये काफी सारी चीजें बताती हुई दिखाई देती है। अब इसका ये हाई तो हाई मिल तो हमने कनेक्ट कर दिया, अब लो से लो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चीजें आपको और समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, इसे हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा ये और वेजेस बनते हुए दिखाई दिए। देखिए इसी रेंज में घूम रहा था, फिर इसने यहाँ पर इसे यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, फिर वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ पर सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा था, ये लाइन रेजिस्टेंस था, इसने बार बार कोशिश करी नहीं तोड़ पाया। नीचे अगर हम देखें इसने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सेल करते हुए नजर आएंगे, बट जैसे ही इंट्राडे के लिए काम आता है, फिर ये इंट्राडे के लिए जैसे ही इसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो यहाँ पर हमने बाइंग करना शुरू कर दिया, और फिर ये हायर हाइज बनाता हुआ चीजें नीचे आई, एक कैंडल ऐसी बनी यहाँ पर देखे। तो अब जब भी चीजें मार्केट निकलेगी तो तब जब हम कहते हैं ना मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर जब तक इस कैंडल को एक क्रॉस नहीं करेगी तब तक यहाँ पर हाईज नहीं बनते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए जब मार्केट गिरी, ओके, यहाँ पर देखिए इसके बीच में यहाँ पर चलने लग गया था, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट भी काम बन रहा है, ट्रेंडिंग लाइन और ये सब शीट बनती हुई नजर आ रही थी, तो इसके नीचे जब टूटा तो हमें पता चल गई कि और ज्यादा यहाँ पर गिरावट होगी, तो यहाँ पर तो बिल्कुल बेचना बनता ही था। तो यहाँ पर इस तरीके से
किसी भी चार्ट में आप ओपन करिएगा, उस चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। अब इसके अलावा देखिए, हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सीख लिया कि हमें हायर एक हाई को दूसरे हाई से या एक लो को दूसरे लो से यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, उस हिसाब से हमारी ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर ड्रॉ होती हुई नजर आएगी, जो कि हमें हेल्प करेगी। और साथ में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी लाइन लगानी है, वो हमें हेल्प करेगी। बट कल हम जब यहाँ पर अगली जब वीडियो बनाएंगे तो हम सीखेंगे यहाँ पर सीक्रेट ट्रेंड लाइन में हमें क्या पता चलेगा, सीक्रेट ट्रेंड लाइन में हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है या फिर ये जो ब्रेकआउट है ये ओरिजिनल है। काफी बार लोग देखिए, अब ये एग्जांपल लेते हैं, कल भी इसी एग्जांपल को लेंगे जब भी हम वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, काफी लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल पर फंस गए होंगे, हाँ देखिए ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पर खरीद लेते हैं। बट आपको जब मैं एक सीक्रेट ट्रेंड लाइन बताऊंगा तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था, ओके, और यहाँ पर उसके हिसाब से ही गिरता हुआ नजर आया, काफी लोग यहाँ पर फंस गए, ओके, और जिन्हें निकलना था वो निकल गए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर इसी चीज के बेसिस पे चीजें यहाँ पर समझ में आती है। तो वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और अगर हमारी मेहनत आपको रंग लाती हुई दिखाई दे, आपको लगे कि हम सच में मेहनत कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।